नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं श्रीकांत शर्मा आप लोगों के बीच एक और नई कविता के साथ। आशा करता हूँ कि ये कविता भी आप लोगों को उतनी पसंद आएगी जितनी आगे की कविताएं। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स एंड अप्रिसिएशन। ये कविता, मैं जहाँ पला बढ़ा उस जगह की खूबसूरती को वर्णित करता है और उसकी व्याख्या करता है कि वो कितनी खूबसूरत है। मैं आसाम के एक छोटे से गांव से मैं पला और उसकी खूबसूरती मेरे दिल में कैसे बसी है, वो मैं इस कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद हो आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पोएट, मेरा असम, तेरी क्या मैं बात कहूँ, हर बात ही तेरी निराली है। तेरी क्या मैं बात कहूँ, हर बात ही तेरी निराली है। पूरी दुनिया याद करती है तुझको जब सामने आती चाय की प्याली है। हर एक हिस्सा संपन्न तुम्हारा, हर हिस्से में हरियाली है। हर एक हिस्सा संपन्न तुम्हारा, हर हिस्से में हरियाली है। सदा यहाँ का दृश्य देखकर लगता है रोज दिवाली है। कहीं बसी है माँ कामाख्या और कहीं माँ काली है। मैं क्या क्या बखा करूं, मेरे असम की बात निराली है। छोटी छोटी नदियों से पूरा असम तृप्त हो जाता है। धान यहाँ के बड़े खास हैं, हम सबकी भूख मिटाता है। सबके दिल में प्यार भरा है, स्नेह भी यहाँ भरपूर है। मेरे असम राज्य में सदा से बिहू बड़ा मशहूर है। सभी गाय की पूजा करते, खेती सबको प्यारी है। शंकर देव के ज्ञान की गंगा आज भी सबको न्यारी है। किसी गली में कनक खेल रही, कहीं लचित नली किलकारी है। किसी गली में कनक खेल रही, कहीं लचित नली किलकारी है। वीरों की है जन्मभूमि ये, यहाँ की बात निराली है। पेड़ पौधों की पूजा करते, तामुल पान से प्यार जताते, अपने गौरवमय इतिहास से खुद अपनी पहचान बनाते। थैंक यू गाइज, लाइक और शेयर करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं श्रीकांत शर्मा आप लोगों के बीच एक और नई कविता के साथ। आशा करता हूँ कि ये कविता भी आप लोगों को उतनी पसंद आएगी जितनी आगे की कविताएं। थैंक्स।